Hi there. If you haven't yet subscribed to my channel, kindly do so. And to get notified for new videos, don't forget to hit the bell notification sign. And of course, please do like the videos too. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुबूही और आप देख रहे हैं सुबूही कुकिंग एंड व्लॉग्स। रमदान के शुरू होने से पहले ही मैंने आप सबको रमदान के आने की मुबारकबाद दे दी थी, लेकिन जिन्होंने भी मेरा वो व्लॉग नहीं देखा उन सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से रमदान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ हाजात पूरी करे, रोज़े कबूल फरमाए, हमारी इबादत कबूल फरमाए और ऐसे कई सारे रमदान देखना नसीब फरमाए। यहाँ जी मैंने पिछले साल भी बताया था कि मैं सारी रात अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इबादत करती हूँ और यहाँ पर मैं कुरान पढ़ रही थी और जैसे ही मेरी कुरान ख़त्म हुई उसी वक्त फिर सहरी का भी टाइम हो गया था। तकरीबन 3 बज रहे थे या 3 के बाद शायद आप देख सकते हैं टाइम। तो इस वक्त मेरी बेटी भी मेरे साथ जगती रहती है तो वो और मैं फिर किचन में जाते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने लास्ट ईयर के व्लॉग में भी बताया था तो मैं दोबारा से आपसे शेयर इतना डिटेल में नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाह रही। तो सारा कुछ क्लीन करके ही मैं रात में सोती हूँ, लेकिन मैंने ये आदत बनाई हुई है, मतलब हमारे घर में ये है शुरू से कि हम सुबह उठकर दोबारा से सारा कुछ क्लीन करते। तो एक दफ़ा फिर से मैं सारा कुछ क्लीन कर लूँगी और बेटी भी मेरे साथ ही होती है, मेरा बहुत हेल्प करवाती है वो भी, जो है ना मैं जैसे जैसे बर्तन धोती रहती हूँ वो लेकर जाकर टेबल पर लगाती रहती है। रात भर वो भी जगती है, थोड़ा बहुत तस्बीह पढ़ लेगी, थोड़ी इबादत कर लेगी और बच्ची है थोड़ा टीवी भी देखती है लेकिन मेरे साथ ही होती है। तो यहाँ पर रात को ही मैं पेड़े बनाकर रख लेती हूँ रोज़ाना, वैसे डेली ही करती हूँ मगर रमज़ान में तो ये लाजमी है। तो बस ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आपको डिटेल्स बताकर, साथ साथ चाय भी बना लूँगी और सारा कुछ क्लीन करके सहरी का सब कुछ तैयार करके रोटी वगैरह ना फिर मैं अम्मी और हस्बैंड को भी उठाती हूँ, सबको फिर हम सब मिलकर सहरी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी भी रहती है रोज़ा, तो बस यही है जी। देखिए अब ये तैयारी हो जाएगी तो हम कर लेंगे और जैसे ही सहरी ख़त्म होती है बस मैं इतनी थक जाती हूँ ना एक तरह से कि सारी रात जगी हुई होती हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही होती है उस वक्त। तो मैं जैसे ही सहरी हो जाती है तो सारे बर्तन वगैरह जो भी धोने होते हैं वो धोकर, जो चीज़ें समेटनी है चूल्हा वगैरह साफ़ करके ना आटा गून लेती हूँ दूसरे दिन का और फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ और अगर दिल करे तो तस्बीह पढ़ती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, वरना अगर हिम्मत नहीं है तो तस्बीह भी नहीं पढ़ती। बस मुझे इंतज़ार होता है कि कब अजान होगी और कब मैं नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगी। तो बस उसके बाद मैं उठती हूँ तकरीबन देखें 11:30-12 बजे के टाइम पर, क्योंकि मैं सारी रात की जगी हुई होती हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है ना। वैसे आपस की बात है मुझे नींद बहुत आती है, मैं मुझे सोने का शौक़ बहुत है, बहुत सोती हूँ मैं। तो रात भर जो जगी हुई होती है ना तो तकरीबन 6 बज जाते हैं जब फजर के बाद सोने तक ना, तो 11:30-12 बजे तक मैं जब फ्रेश होकर बाहर आती हूँ तब बाहर आकर मैं ना सबसे पहला काम ये करती हूँ कि अम्मी बाबा और हस्बैंड के लिए लस्सी बनाती हूँ। मैं और मेरी बेटी लस्सी नहीं पीते तो हम दोनों के लिए मैं छाछ बना लेती हूँ। कभी वो कहती है मुझे छाछ नहीं पीना मम्मा, तो मैं उसके लिए टैंग बना देती हूँ, मैं तो टैंग भी नहीं पीती। तो बस लस्सी बनाकर मैं रख दूँगी और यहाँ मैंने खीमा डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखा था तो ये खीमा मैं बना रही हूँ। पसंदे जो बनाते हैं ना हम लोग गोश्त का, तो उसी के मसाले लगाकर, ये मेरे सास की रेसिपी है तो ये मैं बना लूँगी। और यहाँ पर दही और सारे मसाले वगैरह मैंने पीस के भूनने के लिए रख दिया। अब इसमें मैं जैसे ही भुनाई हो जाएगी खीमा शामिल करूँगी और आपको लग रहा होगा काफ़ी लिक्विडी सा है लेकिन ये भूनकर अच्छे से जो है ना
सालन का फॉर्म ले लेगा और उसके बाद मैं इसमें जो है ना कोयले का धुआं लगा दूंगी और यहाँ जी मज़ेदार यमीलीशियस सालन बिल्कुल रेडी है, जो कि सबको बाद में बहुत पसंद आया था। ये रात के लिए, ठीक है, तो ये दोपहर को ही मैं बना कर रख लेती हूँ। यहाँ मैं फिर दोबारा से 4 बजे के आसपास किचन में आ गई थी और हस्बैंड को मेरे जो है ना टमाटर के जो है पकौड़े बहुत पसंद है, तो वो मैं उनके लिए बना लूँगी। इस तरह से राउंडल्स में काट लेती हूँ, स्लाइसेस थोड़े से थिक काटने होते हैं, ज़्यादा पतले करेंगे ना तो वो अजीब से हो जाते हैं जब हम फ्राई करने लगते हैं ना, तो वो सही नहीं होते और फिर इस पे जो है ना बैटर भी ठीक से नहीं लगता। तो हल्के से थोड़े से इसको थिक आपने काटने हैं राउंडल्स, और साथ में फिर इसमें मैं नमक और ब्लैक पेपर पाउडर जो है स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। वैसे सादे टमाटे तो बहुत ही ज़्यादा ब्लैंड होते हैं, और जो एग पकौड़ा बनाते हैं अंडा भुंडा, तो उसमें जो है ना बॉयल्ड एग में भी हम इसी तरह नमक और काली मिर्च अगर स्प्रिंकल करके तलें तो बहुत टेस्ट आता है। तो आपके पास ये बताइए कि किस तरह से, कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके पास किस तरह के पसंद करते हैं, क्रिस्पी या सॉफ्ट और फूले फूले से, और चाट मसाला डालना पसंद करते हैं। कुछ लोग जैसे चाट मसाला बिल्कुल पसंद नहीं करते, मेरी मम्मी के यहाँ जो है ना चाट मसाला बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं पसंद, तो यहाँ मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जैसे ही तलो गरम गरम में ही चाट मसाला स्प्रिंकल करो तो उनको बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो यहाँ मैं तल लूँगी, और हमारे यहाँ ना बहुत अच्छी एक आदत है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल में, मेरे हस्बैंड के दोनों मामू साथ ही हमारे साथ ही पड़ोस में रहते हैं, तो हम जो भी बनता है एक दूसरे के घर में शेयर करते हैं। उनके घर में जो भी बनती है ना अफ्तारी वो हमारे यहाँ आती है, और जो हमारे पास बनता है वो उनके पास जाता है, तो इस तरह से शेयर करते हैं एक दूसरे की अफ्तारी, तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ मैं बैचेस में तलती जाऊँगी और टेबल पर लगाती जाऊँगी। और यहाँ जनाब मैंने प्याज के पकोड़ों का पैटर भी रेडी कर लिया था, तो ये भी मैं साथ साथ तलती जाऊँगी। और यहाँ देखे जी, जब जल्दी जल्दी काम करो तो अफ्तारी के टाइम पे ना बहुत गड़बड़ होती है, तो ये सारा कुछ बैटर गिरता रहता है, तो साथ साथ मैं जो है ना इसकी सफाई भी करती हूँ ताकि एकदम से मेस भी ना लगे किचन, और फिर बाद में काम भी नहीं पड़ेगा। तो जो है ना मेरा ये तरीका है कि मैं जो है ना पहले से तल कर नहीं रखती, कोशिश करती हूँ कि लास्ट मोमेंट पे तलूँ ताकि जो है ना पकोड़े एकदम गरम गरम जब होते हैं ना तो खिलाने में भी मज़ा आता है और खाने में भी। तो मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है कि कोई मुझे लाकर ना गरम गरम पकोड़े सर्व करे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वालों को भी मैं इसी तरह गरम गरम पकोड़े ही सर्व करूँ। तो ये पकोड़े वगैरह तो तैयार हो गए, और भी चाट फ्रूट चाट वगैरह भी मैंने बनाया था, उसकी तो वीडियो मैंने ली नहीं क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने शेयर किया था, तो मैंने कहा सारा बहुत रिपीटेटिव हो जाएगा। तो यहाँ टेबल वगैरह मैं लगा दूँगी, ये क्वार्टर प्लेट्स, और ये जो है ना एक ऑरेंज क्वार्टर प्लेट हमारे पास अलग से है क्योंकि ये जो मेरे छोटे बेबी है ना उनको सिर्फ इसी प्लेट में खाना पसंद है, मर्ज़ी चाहे कितनी अच्छी प्लेट आप लाकर दे दो, बस जनाब जो है इसी ऑरेंज प्लेट में ही खाते हैं। तो ले जनाब हो गया है ऑलमोस्ट अफ्तारी का टाइम, और सारी चीज़ें टेबल पे लग चुकी है, वाटरमेलन, दही वड़े, लुखमी, टमाटर के और प्याज के भजिए या पकोड़े कह लें, और ये फ्रूट चाट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पर है लस्सी अम्मी बाबा और हस्बैंड के लिए, और मेरे लिए और बेटी के लिए छाछ। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस साल का रमज़ान भी देखना नसीब किया अल्लाह ने, और आइंदा साल भी बहुत सारे ऐसे रमज़ान देखना नसीब फरमाए, आमीन।
तो फाइनली हो गई हमारी अफ्तारी और उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं हम, तो कुछ देर बाद फिर डिनर करते हैं। डिनर भी हो चुका है और हस्बैंड को जाना था तरावी। तरावी से पहले वो कहते हैं कि चाय रेडी होनी चाहिए, तो यहाँ बन रही है ज़बरदस्ती चाय। और चाय बनाने के बाद मैं जो है ना इशा की नमाज से पहले सारा कुछ क्लीन कर लेती हूँ और बर्तन वगैरह धोकर टेबल पर लगा देती हूँ और फिर रूम में आ जाती हूँ और रूम में आकर बेटे को पढ़ा लेती हूँ। और यहाँ जो है बेबी कह रहे थे कि मेरी वीडियो ना लें, तो मैं उसकी वीडियो बना रही थी और उसको यहाँ पर स्पेलिंग ड्रिल दे ले रही थी उसका टेस्ट। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबके इबादतों को कबूल फरमाएं, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, डू टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।